सबसे ज्यादा दीपू भाई हम लोग जो है नीतीश कुमार जी पे कटाक्ष किए हैं सबसे ज्यादा। बॉर्डर पे खड़ा होके कूद कूद के वीडियो बना रहे हैं हम जब भाजपा में नीतीश कुमार जी थे तब। इन्होंने बनाया था कि लानत स्वीकार कीजिए नीतीश कुमार ऐसा वीडियो इन्होंने बनाया था। कुशासन बाबू इन्होंने बनाया था। मंगल पांडे भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वास्थ्य मंत्री थे कोरोना के समय में और मैं उनके अस्पताल में घुस घुस के वीडियो बनाया घुस घुस के मंगल पांडे जी के खिलाफ। राजीव प्रताप रूडी उनके खिलाफ हम लोगों ने वीडियो बनाया। राधा मोहन सिंह जी मोतिहार अनिकेत भाई है याद है एम्बुलेंस पे चढ़ चढ़ के डांस करने वाला इकलौता पत्रकार देश में एम्बुलेंस के ऊपर चढ़ के एम्बुलेंस पे गिरिराज सिंह अश्विन बाबा अश्विन चौक बाबा सबके खिलाफ हम लोगों ने वीडियो बनाया। जब तेजस्वी जी आए सरकार में तो किससे सवाल करेंगे हम लोग देखिए आप तमाम लोग यूट्यूबर लोग हैं इस बात को मैं रिपोर्ट करूंगा कि हर चुनाव के बाद लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। जानते हैं ईवीएम कैसे हैक हो जाता है? बनारस में महाशिवरात्रि पर एक यात्रा निकलती है उस यात्रा को जब कोई पार्टी बंद कर देती है और दूसरा पार्टी आती है और वो यात्रा चालू करवा देती है और उसके बाद ऊपर से पुष्प वर्षा कर देती है तो उन भक्तों के दिमाग में ईवीएम सेट हो जाता है वहीं पे ईवीएम हैक हो जाता है ना। अब दूसरा आदमी समझिए एक सरकार आती है जो दूसरे किसी का फर्जी मुकदमा कर देती है 70 दिन जेल में है उसकी जांच और वही सरकार इस बात को बहुत जिम्मेवारी से कोर्ट कर रहा है तो सुनिए इस व्यक्ति का नाम नहीं रहेगा इस आरजेडी का एक ठीक प्रवक्ता है जो रजिस्टर्ड प्रवक्ता नहीं है लेकिन दिल भर गाली देता है नाम सब लोगों को पता उस पर भी तमिलनाडु में केस हुआ और वो बाइकअप पर ही होगा उसका जेल हुआ क्या हुआ किसी को नहीं पता। तो जब सरकार एक तरफा व्यवहार करेगी तो वो ईवीएम हैक होगा और हर बार होगा और पता चलेगा कि 40 में से 4 सीट नहीं आएगा। अब कोई दुखी होगा तो दुखी कर कैसे देगा? हम ही अपने वोट देते हैं हमारे भाई को हमारे किसी मित्र को अगर कोई करेगा तो हम भी तो जाकर अपने घर में कहेंगे वोट मत देने का हमारे भाई को फंसा दिया था। आप कहिएगा ना जी तो इतना तो चर्चा की जब पाएगा कि मनीष भैया को फंसा दिया गया सबको पता है कि फंसा दिया गया हर मंच से हम लोग का और उतना ही नहीं फंसा दिया गया हम लोग बात मनीष का करते हैं बात राकेश भाई का करते हैं कि लोग जेल के सब लोग प्रताड़ित हुए हैं आप तमाम लोग प्रताड़ित हुए हैं हर बार किसी का व्यूज ये भी एक प्रताड़ना है किसी का व्यूज रोक देना किसी का चैनल डेमोनेटाइज कर देना किसी अब ये जो टाइम पर पहुंचने वाले लोग हैं इन लोगों को नोटिस दे देना तमाम लोगों को जो नोटिस देना तो देखिए देश में सब होना चाहिए लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए अगर कोई भूल नहीं पा रहा जो आदमी बोलने नहीं दे रहा है वो आदमी हमको नहीं चाहिए। आप सोचिए कि देश में कैसा लोकतंत्र था कि देश में रंधारी सिंह जी का संसद में बैठ के कहते हैं कि क्या सिंहासन खाली करो कि जनता आती है और उसी सरकार के राज्यसभा सांसद है और एक पार्टी उसको सुनती है। इस लोकतंत्र में जिंदा रहने वाले हम लोग अगर आपको बोलने नहीं दिया जाता है देखिए आप एक लास्ट में मैं कोट कर रहा हूं यूट्यूबरों से दिक्कत क्या है यूट्यूबर से दिक्कत यह है कि पहले जो है ना आप पता करिएगा जो लोग यूट्यूबर हैं आप लोग जो लोग जानते हैं पहले किसको टिकट दिया जाए इसका फैसला जो है न्यूज चैनल में बैठ के होता था आप हमारे पार्टी के अब क्या है उस खबर को सांसद साहब ने बोले कि देखिए सांसद साहब हमारे मनीष के घर जा रहे हैं तो रोड खराब है ठीक है आपके भाई को टिकट देते हैं बात खत्म। अब यहाँ दिक्कत है कि मनीष के समय से 50 आदमी है तो जाके दिखा देगा आप लोग तो आप लोग खुद के लिए ताली बजाएंगे कि आप लोग वहां पहुंचते हैं जहां उन लोगों का माइक नहीं पहुंचता आप लोग उनका आवाज बनते हैं जिनको कल कोई पूछता नहीं था रोड पर बैठा वाला आदमी को मनीष से पूछता कोई नहीं पूछ सकता है मंच में मनीष और आप तमाम लोगों ने इन लोगों को मजबूर किया कि एसी से बाहर निकलिए रिपोर्टिंग यहां भी होता है और आज जितना भी बड़का पत्रकार है सब लोग यूट्यूबर है अनिल जी रवीश कुमार यूट्यूबर पुण्य पर सुन वाजपेयी पाला जिंदाबाद मुखिया जिला का है कोई दिक्कत नहीं है हम लोग लोकतंत्र में जीने वाले लोग हैं सब जिंदाबाद लेकिन पुण्य पर सुन वाजपेयी यूट्यूबर है ना जी अजीत अंजुम यूट्यूबर वो तमाम लोग जो कल बैठ के आपको गरियाता था आज आप ही का काम कर रहा है ना तो यूट्यूबर कोई बहुत बड़ा बात देखिए मनीष के लिए एक जोरदार ताली आप लोग इसलिए बनाइए कि कल प्रधानमंत्री साहब क्रिएटर अवार्ड दिए हैं
चलिए देश के सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। बिहार में ऐसा नहीं हुआ था, बिहार में करने के लिए आपको सम्मान अगर एक भाई आपका दे रहा है वो इसलिए दे रहा है कि आप लोग इसके सैनिक हैं, आप लोग इसके सेनापति हैं, आप लोग इसके मंत्री हैं, आप लोग इसके भाई हैं, ताकि जो भी है लड़ाई, कोई भी लड़ाई अकेले नहीं लड़ा जा सकता। मनीष कितना लड़ सकते, कल ये लोग पीछे का लड़ाई काफी लोग लड़ रहे थे, मनीष भैया को ऐसे हो गया, मनीष भैया को ऐसे हो गया, तो आप तमाम लोग इस लड़ाई के वाहक बनिए और हेने करिए को स्पीकर किनाइल बा काय खातिर हमरा के मनीष बतैले हा कि पहले हमनी माइक से करत रहनी हा आवाज समय तू जात रहा तो लोग सुनत रहा कि चाची के वीडियो में ना लौकला। अब हमनी माइक और स्पीकरवा लगा के गांव में गांव में कहल जाए सब सबे कि चाची से का है दिक्कत कहल जाए। अरे आप लोग का काम है यूट्यूब पर, सब लोग यूट्यूब पर दिखाएगा है ना, जो भी समस्या यूट्यूब पर आपको दिखाने के लिए तैयार है, बिना डरे बिना डरे। मनीष के साथ जो हुआ है वो नहीं होगा आगे से, इसके लिए हम लोग कोशिश सब लोग करेगा, मिलकर लीगल टीम बनेगा। एक के गलती बार बार ना हो तो एक गलती बार बार ना, एक हो गया अब नहीं होगा। अरे हमने के लिए कम पैसा थोड़े है जी, अपन मेहनत से कमाए पैसा है। राकेश भाई कह रहे हैं चींटी है, कौन और चींटी है, हम लोग 40 में से 4 सीट नहीं दे रहे हैं, हम लोग चींटी हैं। यह सरकार को देखिए सुपड़ा साफ हो जा रहा है, आप सब लोग के पास पैसा है ना जी, अरे हकार के बोलिए आगे नहीं पैसा, और मेहनत का कमाया हुआ पैसा किसी का चोरी कर रखा हुआ और ना चारा चोरा के ना कोनो घोटाला कर गया, मेहनत का कमाया हुआ पैसा। मेहनत का अगर महीना का 500 रुपया डालेंगे कितना किस करेगा, लड़ लिया जाएगा ना जी, 500 रुपया निकाल कर जमा कर लिया जाएगा, जोन भाई के किस्त पर लड़ लिया। तो तैयार रहिए सीना तान के, नया बिहार देखेंगे नहीं तो नया दुनिया दिखाएंगे। मनीष का स्टाइल में जय हिंद जय हिंद जय हिंद। और एकरा बाद वाला लड़ाई बहुत तगड़ा हो तो मजबूती से बांध के तैयार रहना। मनीष बाबू ये हमारा हक है, आपके बर्थडे का हम लोग यही है, हमारा गिफ्ट यही है कि मेरा एक लाइन है, हम तो भाई हमारे लाइन में चलता मनीष के लिए, हम और मधुबनी में सबसे पहले जा रहे थे मधुबनी नरसंहार हम और मनीष, मैं कभी सस्तक का भी हिस्सा था, आप लोगों को बहुत लोगों को नहीं पता अभी है खर आजीवन, तो उस समय मैंने मनीष के लिए एक लाइन था कि हमने कभी वक्त की आरिया नहीं निभाई, जिसके साथ खड़े हैं बिल्कुल अंत तक लड़े हैं। तो आज आप लोग से यही करें कि जिसके साथ आज आप खड़े हैं बिल्कुल अंत तक लड़िए, या तो जीतेंगे या ना तो भर दम जिएंगे। तो लड़ाई के लिए आप लोग तैयार हैं, तो मनीष आगे बढ़े, घोषणा इनको जबरदस्ती करवा के इनको चुनाव लड़ना ही है, इसमें कुछ नहीं। मनीष बाबू हमसे बहुत सब लोग सेटिस्फाइड है कि आप बहुत अच्छा माइक लेके करते हैं, हर सब भाई आपका वाला काम कर लेगा। आप जाइए पार्लियामेंट, इजाजत है ना हो, इजाजत है, माइक वाला काम कर लिया जाएगा, और जरूरत पड़े तो हम ना कह रहे हम कहे तू चुनाव लड़े यार देख लिया है। ठीक बा ना हो तो फिर हम तो इंजीनियरिंग का लाइन में हमने कौन है, लेकिन तू जा चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है, तमाम लोग समझिए क्यों, क्योंकि एक भाई आए हैं मनीष बाबू आपको एक मिनट और लेंगे, एक भाई आया है बहुत मेहरा किया, कहा है पूर्णिया का, कहाँ का लड़का था, क्या नाम है आपका, आप यहाँ आइए एक मिनट, आप बहुत था एक मिनट इधर मिल लीजिए, विक्रम का बात था कि इनका कितना दिया 10,000 लोग का घर खाली करा दे रहा है, किसी एक के बस का बात है। मनीष यहाँ से आपको लगता है कि माइक लेके जाएंगे तो आपका घर रुक जाएगा, रुकेगा नहीं, लेकिन पूरे बिहार तक ये बात तो फैलेगा ना भैया, फैल जाएगा ना, तो खाली फैल जाएगा। तो आप लोग का भी जिम्मेवारी है कि जो रुकवा दे, अगर मनीष का कंट्रोल कुछ रहता तो फोन कर देते कि ये वाला काम नहीं हो, ठीक है ना। तो आप लोग ये वाला भी देखिए, अगर आप लोग किसी उम्मीद लेके आते हैं कि भाई मनीष जी कर दें, तो पहले पावर दे दीजिए, पावर दे दीजिएगा तब ना कुछ होगा, ठीक है ना। जय हिंद।